हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, अभी हो रहा है सुबह के 7:30 और मैं नीचे वॉकिंग कर रहा हूँ। गाइस, एक और एक गुड न्यूज़ है, मतलब कल का गुड न्यूज़ तो आप लोगों ने देख लिया होगा, सरप्राइज़ हमारी न्यू कार। आज एक और एक सरप्राइज़ है गाइस, मतलब कुछ भी आ नहीं रहा है, कुछ भी हम ले नहीं रहे हैं। सरप्राइज़ ये है कि आज मेरे डेली व्लॉग्स की गोल्डन जुबली हो गई है, मतलब ये हमारा 50वां डेली व्लॉग है। लगातार 50 दिन तक हमने डेली व्लॉगिंग की है, नहीं रुकेंगे गाइस, अब बढ़ते जाएंगे आगे, और 315 डेज है गाइस बाकी। मतलब आज क्या है डेट, आज सेकंड है। हम थक गया हूँ मैं, हाँ थर्ड, कल एक दिन व्लॉग बना पाऊंगा मैं, नहीं एक्चुअली आज ही, क्योंकि फोर्थ से तो मेरे व्लॉग्स आने वाले हैं, रोज़ अपने आप पोस्ट हो जाएंगे, कल बनाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आज लास्ट डे गाइस मेरे व्लॉगिंग का, फिर अपने आप फोर्थ से पोस्ट रोज़ होते रहेंगे ना, मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस, कोई सेलिब्रेशन नहीं, कुछ भी नहीं, कल हो गया था सेलिब्रेशन जितना करना था, बहुत खा लिया था कल, अब छोड़ दीजिए, अब सिर्फ पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करना है गाइस। सब कुछ हो गया है, सेलिब्रेशन वगैरह वगैरह, एग्ज़ाम्स के बाद देखेंगे जो करना है, और एग्ज़ाम्स के बाद एक अच्छी ट्रिप पे भी जाना है गाइस। डैडी ने कहा था मेरे एग्ज़ाम्स होते कि दीदी के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, मतलब मेरे 16 को ख़त्म हो रहे हैं ना, दीदी के 21 को स्टार्ट हो रहे हैं, तो दीदी के एग्ज़ाम्स होते कि कार में एक लंबी ट्रिप को जाएंगे, बस थोड़ा दूर जाएंगे, अच्छा यहाँ कोई 50-60 नहीं, ज़्यादा 80 या 90 किलोमीटर्स दूर। तो चले गाइस, सीधी बात नो बकवास, अपना ब्लॉग शुरू करते हैं। अभी हो रहा है 7:30, वॉकिंग करता हूँ मैं कुछ देर, और फिर घर जाते हैं, नहाकर पढ़ने बैठते हैं गाइस, ओके। और आज न्यू कार में गाइस शायद दीदी को हम कॉलेज छोड़ने जाएंगे, क्योंकि कल दीदी बहुत कम टाइम बैठी थी ना कार में, पूरा दिन तो हम ही थे, खाली शाम में बस पूजा कराने के टाइम दीदी चले थे। अब दीदी ने कहा कि उनको कार में कॉलेज छोड़ के आना है, तो भैया छोड़ के आएंगे, मैं भी चले जाऊंगा, क्योंकि ऐसी तो चले गाइस, वॉकिंग करता हूँ और आप लोगों से मिलता हूँ, ओके। मैं थक गया हूँ, मैं तो फास्ट वॉकिंग कर रहा हूँ ना, पर 4 दिन के बाद डाइटिशियन कन भी जाना है, देखते हैं क्या सीन रहता है, चलिए। सो गाइस, मैं तो घर पर आ गया हूँ वॉकिंग करके, और ये देखिए, एक सेकेंड, किया वालों के कप में दूध, मैंने कहा था ना आपसे मैं इसमें पीऊँगा, तो चलिए गाइस पीते हैं। गर्म है, बहुत गर्म है गाइस, दूध तो बहुत ज़्यादा गर्म है गाइस, ठंडा होने के लिए रखते हैं इसे। और अभी दीदी नहाने गई है, भैया जिम गए हैं, भैया आने के बाद हम दीदी को छोड़ने जाएंगे, फिर मैं आकर नहाकर पढ़ने बैठूंगा, ओके। तो चलिए गाइस, देखते हैं कब मिलना है, ओके चलिए। सो गाइस, हो गया है मेरा दूध पीना, और अब मैं और भैया जा रहे हैं दीदी को कार में छोड़ने के लिए कॉलेज, तो चलिए चलते हैं। गाइस, फिलहाल अभी टाइम हो रहा है 10:07, आ गए हैं दीदी को छोड़कर, तो चले गाइस, सबसे पहले मैं नहा लेता हूँ और फिर नहाकर पढ़ने बैठते हैं गाइस, परसों एग्ज़ाम है ना, ओके चलिए डायरेक्ट मैं आप लोगों से नहाकर मिलता हूँ। गाइस, मैं नहाकर आ गया हूँ, और अभी थोड़ी देर पहले मैसेज आया, जब मैं नहा रहा था मैंने आते के चेक किया, 11 बजे क्लास है गाइस मैथ्स की, और मैं बैठ गया हूँ, स्टार्ट हो गई है। मतलब मैथ्स के दिन हमको छुट्टी थी ना, मैंने कहा था ना मैं स्कूल नहीं जाना है, मैं गया तो नहीं था उस दिन, अब मैम ऑनलाइन ले रही है वाइवा, पता नहीं क्यों, उस दिन ले लेना था, परसों एग्ज़ाम है और वाइवा ले रहे हैं ये लोग, आज कैसा कर सकते हैं ऐसा। और ये देखिए गाइस, मेरे मील का टाइम हो गया है, 11 बज गई है ना, तो चलिए गाइस अब ये मैथ्स की क्लास करते हैं, मील खाते हैं,
और फिर अपना पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये होने के बाद ही तो मैं पढ़ना स्टार्ट कर पाऊंगा ना। ओके चलिए। सो गाइस फिलहाल अभी टाइम हो रहा है रात के 8:25। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना लेट क्या हुआ, क्या क्या करा मैंने पूरा दिन में, कुछ भी नहीं किया गाइस। सुबह में जब हम छोड़ के आ गए थे बहन दीदी को, फिर उसके बाद मैं नहाकर आ गया था। मैंने कहा था कि मेरी ऑनलाइन क्लास है एक मैथ्स की, तो मैंने वो कर ली थी। वो करने के बाद गाइस मैं सो गया था, क्योंकि मेरा सर बहुत दुख रहा था, पता नहीं क्यों दुख रहा था इतना, इसलिए मैं सो गया था। और फिर वो उठ के मैंने पढ़ाई की गाइस। मैं अराउंड उठा 4:10 को गाइस, सोया था मैं 2:30 या 3 को गाइस, 4 o'clock को उठ गया था, 4:10 उठ गया था। उठने के बाद मैंने पढ़ाई कर ली और अब टाइम हो रहा है 8:26। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हो ही गाइस मेरी पढ़ाई और अब मैं आ गया हूँ। डिनर भी करना है अभी मुझे, आज ओट्स का छिलवा खाएंगे गाइस बहुत दिनों के बाद। और हाँ गाइस, अभी ट्रांसपेरेंट पाउच और पैड लेने जाना है, क्योंकि आज ऑनलाइन क्लास में मैम ने कहा था एग्ज़ाम्स है ना, बोर्ड एग्ज़ाम्स, एक्चुअल लास्ट ईयर बोर्ड एग्ज़ाम्स लेने थे, तो लास्ट ईयर ही ले लेते थे ट्रांसपेरेंट पैड और पाउच, ये साल काम आ जाते थे। लास्ट ईयर हमें पास कर दिया, इसलिए अब ये साल लेना है। ये साल तो ऑफलाइन है ना, 2 ट्रांसपेरेंट पाउच लेना है गाइस। एक में मेरी स्टेशनरी रहेंगी, दूसरे में कलर्स वगैरह रहेंगे, वो भी ट्रांसपेरेंट रहना। ट्रांसपेरेंट पैड वो भी लेना है, वो ट्रांसपेरेंट बॉटल तो कोई भी बिस्लरी या प्लास्टिक की वो मिल जाएगी। टिफिन की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि 9:30 to 11:30 एग्ज़ाम, नहीं 8:45 स्कूल में रेडी रहना है, 9 to 11:30 है गाइस एग्ज़ाम, 2.5 hours, 1 o'clock तक नहीं है स्कूल। तो चलिए गाइस, मैं वॉकिंग कर रहा था कॉरिडोर में 1-2 राउंड, अब घर चलते हैं और ट्रांसपेरेंट पैड और पाउच लेके आते हैं गाइस, चलिए। और हाँ, मुझे एक प्रिंटआउट भी निकलवाना है, कलर प्रिंटआउट, शायद वो होगा नहीं गाइस, चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं। सो गाइस, मैं तो घर पर आ गया हूँ, ट्रांसपेरेंट पैड और पाउच मिल गया है, तो चलिए गाइस, कलर जेरोक्स तो नहीं मिला जो मुझे चाहिए था। तो चलिए गाइस, अब इस व्लॉग को मैं इधर ही एंड करता हूँ। व्लॉग एंड करने से पहले मैंने आपको सुबह कहा था ना गाइस, अचीवमेंट 50 days = 50 vlogs कम्प्लीटेड। यस गाइस, एक सेकेंड, 50 days = 50 vlogs कम्प्लीटेड। नहीं रुकेंगे गाइस, अब हम लोग करते जाएंगे व्लॉगिंग। ओके तो चलिए, इस व्लॉग को मैं इधर ही करता हूँ एंड। होप आपको ये व्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए तो इसे लाइक करना एंड चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।